हेलो एवरीवन, मैं अभा आपकी गार्डनर दोस्त। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा सा लाइव आई हुई हूँ आपके लिए और कुछ चीज़ों के बारे में मुझे बताना था। तो आज मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये जो वीडियो है, एक फर्टिलाइज़र बोला जाए या फिर आपके गार्डन में बहुत अच्छी इसकी भूमिका होती है। अगर आप ऑर्गेनिक मैन्योर से अगर फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो ये चीज़ है मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो है, ये इफ्को कंपनी का बायो डिकम्पोज़र है और इस तरीके से होता है, देखिए। और ये 30 ग्राम की एक बॉटल होती है, ये देखिए, इस तरीके से 30 ग्राम की बॉटल है। और अलग अलग कंपनी में ये डिकम्पोज़र आता है, तो ये मेरे पास इफ्को कंपनी का था। तो ये जो है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ कि ये जो मैंने, मतलब पिछले साल मैंने मंगवाया हुआ था, जिससे मैं हमेशा सीड्स मंगवाती हूँ गोविंद भाई जी से, तो उनसे मैंने मंगाया था। और इसका क्या क्या यूज़ होता है एग्रीकल्चर में, ये भी बताती हूँ। तो ये एक 30 ग्राम की एक बॉटल है और इसके जो अंदर का सॉल्यूशन होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये एक माइक्रोब होते हैं जो कि सॉल्यूशन से रेडी किया जाता है। और इसका जो यूज़ होता है, सबसे बड़ा जो यूज़ है वो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में होता है, जहाँ पर लगभग 10 टन 100 टन में हमारे जो इंडस्ट्रीज में वेस्ट जो मटेरियल निकलते हैं हमारे गार्डन से, खाद्य पदार्थों से जो प्रकार, मतलब वेस्ट निकलते हैं उसके जो, मतलब उसको रिएक्शन करवा के इसे, मतलब ऑर्गेनिक मैन्यूर बनाया जाता है। तो ये क्या होते हैं मैं ये भी बताती हूँ। ये प्योर काउ डंग मैन्योर होते हैं, ये 20 ग्राम है और इसके साथ कुछ माइक्रोब्स होते हैं, उसका रिएक्शन कराकर ये जो बनाए जाते हैं, इसे मतलब बहुत अच्छा यूज़ होता है गार्डन में। और हमारे जो इंडस्ट्री है, मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इन्हें, मतलब निकाला है इसे। तो ये देखिए, और इसका सॉल्यूशन कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और इसकी प्राइस मैं आपको बताती हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ने इसकी जो प्राइस है वो लगभग 20 रुपये निकाली है। और ये सबसे जो सस्ता डिकम्पोज़र बोला जाए, सबसे सस्ता ऑर्गेनिक डिकम्पोज़र होता है। और ये जो, मतलब अमेजॉन में भी और फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, लेकिन ये, मतलब इसके जो शिपिंग चार्जेस है, जैसे ये 20 रुपीज़ का है, लेकिन मैंने अमेजॉन में देखा हुआ था कि इसकी शिपिंग चार्जेस ही 40 रुपीज़ थी। 20 रुपीज़ का प्रोडक्ट था और क्या बोलते हैं, 40 रुपीज़ इसकी डिलीवरी चार्जेस थी। तो मैंने वहाँ से इसे बाई नहीं किया है। गोविंद भाई जी ने पिछले साल इसमें कुछ ऑफर निकाला हुआ था, तो ये मेरे कुछ बल्ब और कुछ सीड के साथ मुझे, मतलब ये मिले थे मुझे एज अ गिफ्ट मिले थे। और इसकी दो बॉटल है मेरे पास, तो एक ये है और एक मैंने आज इस, मतलब रखा हुआ है, एक मैं आपको एक ही को दिखा रही हूँ, ये भी सेम ही वैसी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका मैंने बता दिया कि क्या क्या यूज़ होता है। सबसे मेन यूज़, पहला यूज़ होता है इसका जो, इसको जो निकाला, प्रोडक्शन जो इसका हुआ है हमारे, मतलब हमारे जो कंट्री में इंडस्ट्री में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इन्हें वेस्ट इसीलिए निकाला था, जो भी हमारे जो घर से वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उसको डिकम्पोज करके, मतलब जो डिकम्पोज जो मैन्योर बनाया जाता है हमारा, वो लगभग उसको जो बनने का जो प्रोसीजर रहता है लगभग 4 से 6 महीने होते हैं। लेकिन इसकी मदद से आप वेस्ट डिकम्पोजर इफ्को का, इसकी मदद से आप जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो 30 डेज में ही बना सकते हैं। अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो 15 से 20 डेज में ही बन जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसका यूज़ मैं आपको सॉल्यूशन बना के दिखाती हूँ कि इसका सॉल्यूशन जब आप बना लोगे तो उसका कैसे कैसे यूज़ होता है, ये बताती हूँ। तो चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है। तो ये देखिए, ये सॉल्यूशन को बनाने के लिए मैंने क्या क्या, मतलब इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो बॉटल है इफ्को का बायो डिकम्पोज़र है, और सेकंड जो मतलब है इंग्रेडिएंट्स है, मैंने लगभग 100 ग्राम के करीबन गुड़ लिया हुआ है। और आप कैसे भी गुड़ ले सकते हैं, पुराना गुड़ हो जो आपके घर पे अवेलेबल हो आसानी से, ख़राब गुड़ हो ये भी ले सकते हैं। जितनी पुरानी गुड़ होगी वो उतनी ज़्यादा, मतलब बेनिफिट होगा। और थोड़ा सा मैंने इसमें 50 ग्राम के करीबन बेसन लिया हुआ है, ये ऑप्शनल है,
और गुड़ इसलिए डाला जाता है फ्रेंड्स इस सॉल्यूशन में क्योंकि क्योंकि ये जो कंपोजर होते हैं ना उसका उसके जो ये मतलब गुड़ होता है ये इसका फूड होता है, इसी से ही ये अपने जो माइक्रोब्स हैं होते हैं उसको एक्टिव करते हैं। तो चलिए, और सबसे जो अहम चीज़ होती है ये देखिए, इस तरीके से मेरा ये बकेट है 20 लीटर का, तो इसी में ही मैं सॉल्यूशन बनाने वाली हूँ। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, इस तरीके से आप लकड़ी ले लीजिए इसको सॉइल मतलब मिक्स करने के लिए, हाथ से ना छुएं। और ये जो है इसका मैं मतलब आधा पार्ट बनाने वाली हूँ, और ये तो करीबन 200 लीटर के लिए है। तो पहले जो इस तरह के डिकम्पोज़र आते थे उसको वन टाइम ही यूज़ करना पड़ता था, लेकिन आप इसमें कुछ पार्ट को निकाल के आप इसे यूज़ करते हैं। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो ये देखिए, मैंने बकेट में 20 लीटर पानी ले लिया है, फुल बकेट मैंने नहीं लिया है, थोड़ा सा स्पेस मैंने इसमें छोड़ दिया है ताकि जो इसमें फर्मेंटेशन हो तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम इस तरीके से हमारे पास जो गुड़ और बेसन है उसे हम पानी में अच्छे तरीके से डाल देते हैं। और अभी आप अपने हाथों का यूज़ मतलब कर सकते हैं आप मतलब बिना ग्लव्स भी पहने, क्योंकि अभी मैंने एक्टिवेटर को नहीं डाला है, जो डिकम्पोज़र है उसे नहीं डाला है। और बेसन पूरा जो है ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसे डालें। ये देखिए इस तरीके से, और जो गुड़ है ना वो नीचे बैठ गया है, थोड़ी देर में ये डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने बेसन और गुड़ को घोल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए इस तरीके से जो ये जो बायो डिकम्पोज़र होता है इसे मतलब मैं इतना हिस्सा ले रही हूँ क्योंकि ये एक एकड़ खेत के हिसाब से रहता है, किसान भाई लोग यूज़ करते हैं एक ही बार में। तो मेरा तो रूफ टॉप गार्डन है इस तरीके से, तो मैं इस मतलब थोड़ी ही क्वांटिटी ले रही हूँ, लगभग 20 ग्राम या 30 ग्राम के करीबन है। तो आप इसे बिल्कुल ग्लव्स पहन के यूज़ करिए या फिर अपने हाथों से ना छुएं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने डाल दिया है ये एक्टिवेटर को। अब हम क्या करेंगे, किसी चीज़ की मदद से या फिर लकड़ी की इस टाइप की मदद से आप इसे अच्छे से घोल लीजिए। अब इसे आप हाथ नहीं लगाएंगे, जब ये सॉल्यूशन जो है एक्टिव हो जाएगा, जब इसमें आपको थोड़ा सा देखिए मतलब 24 घंटे बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा लिक्विड से क्रीमी टेक्सचर में चेंज हो जाएगा, तब आप इस सॉल्यूशन को हाथ में ले सकते हैं। ये कोई फुल ऑर्गेनिक होता है, और जो ये बनाया जाता है ये जो सॉल्यूशन है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो सॉल्यूशन बनाया जाता है ये काउ मैन्यूर में बहुत सारे जो जैव अपघटक बोला जाए वो सभी से इसे बनाया जाता है, तो ये ऑर्गेनिक होता है। तो इस तरीके से देखिए, इसे मैंने डिज़ोल्व कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको रखने की जगह जो है ना वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप इसमें ऊपर से कपड़े से भी ढक सकते हैं, और मेरे पास इस बकेट की कैप थी तो इस कैप को मैं इस तरीके से लगा दूंगी। और जो ये लकड़ी की स्टिक मैंने ली है उसे हर मतलब रोज़ कम से कम एक दो दिन इसे सुबेरे शाम चलाते रहूँगी ताकि ये अच्छे से फर्मेंटेड हो जाए। और इसका रिज़ल्ट मैं आपको 2 डेज के बाद दिखाऊंगी कि ये कैसे फर्मेंटेड होते हैं, और इनका जो 4 टाइप से यूज़ भी बताऊंगी कि 4 तरीकों से मैं इस सॉल्यूशन का यूज़ किया जा सकता है। तो फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस जो बायो डिकम्पोज़र से कैसे इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है इसके बारे में आपको मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है मतलब दिखाई है। अब ये इसका फर्स्ट यूज, इसके 4 तरीके से यूज़ होता है, मैं आपको बताती हूँ कि किस किस फील्ड पर इसका यूज़ होता है। तो पहले जो है इससे कंपोस्ट, सबसे जो मेन उसका मुद्दा रहता है कंपोस्ट बनाने का, तो कंपोस्ट बनाने के लिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। और सेकेंड यूज़ इसका होता है सॉइल ट्रीटमेंट में, जैसे मेरा रूफ टॉप गार्डन है और जितने भी प्लांट मेरे लगे हैं सभी पॉट पर लगे हैं, मतलब लैंड में मेरे कोई भी पॉट नहीं लगे हुए हैं, मतलब मैं पॉट पे ही लगाई हुई हूँ। तो जैसे हमारे गमले की जो मिट्टी हो जाती है पुरानी हो जाती है, उसकी जो उर्वरा शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है, उसकी जो मिट्टी की जो सॉइल की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कम हो जाती है, उसको ये जो फर्टिलाइज़र होता है ना डिकम्पोज़र बूस्ट करता है। तो सॉइल के रूप में मतलब सॉइल में आपको कैसे देना है आपको मैं बताती हूँ। ये जो सॉल्यूशन आपका बन जाएगा
मैंने 20 लीटर में आपको बना के दिखाया हुआ था कि 20 लीटर में कैसे इसका बनाया जाता है। एक बार अगर आपके पास ये सॉल्यूशन बन जाएगा तो सालों साल चलते रहता है। अगर आपका इसके पास आधा लीटर भी मतलब सॉल्यूशन बच गया तो हमेशा इसको यूज़ करते रहिए। गुड़ और बेसन डाल कर फर्मेंटेड होते रहेंगे, ये सॉल्यूशन लाइफ टाइम के लिए रहता है। और इसको सॉइल में कैसे देना है मैं आपको बताती हूँ। तो 20 लीटर का मैंने बनाया था तो उसमें एक मग आपको सॉल्यूशन को निकालना है सॉइल में देने के लिए, और दो हिस्से आप इसमें मतलब एक मग आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा और दो मग है आप नॉर्मल वाटर उसमें ऐड कर दीजिए। और ऐड करने के बाद आप एक एक मग अपने हर प्लांट में प्लांट के साइज के हिसाब से और पॉट के हिसाब से आप उसमें 250 ml 500 ml इस प्रकार से आप दे सकते हैं। अगर इसमें आप सॉइल के रूप में दे रहे हैं, सॉइल में दे रहे हैं, और सॉइल में ज़रूर आप यूज़ करिए। और कैसे देना है, कितने दिन में देना है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। हर 15 दिन में आप इसको दीजिए, किसी भी सीजन में आप दे सकते हैं। ये जो हमारी जो मिट्टी है ना उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा, और बढ़ाने के साथ साथ क्या करेंगे, हमारे जो प्लांट की जो फ्रूटिंग होती है उसे, उन्हें अच्छे से फ्लावरिंग होती है, उसे इन्हेंस करते हैं। ये बहुत ही अच्छा इसका ट्रीटमेंट रहता है। और इसका जो इसका जो थर्ड ट्रीटमेंट होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि थर्ड जो ट्रीटमेंट है इसका, ये आपके अपने जो पॉट होते हैं, आपके प्लांट्स होते हैं, उसके जो लीव्स होते हैं, फॉलिएज स्प्रे करिए। इसका थर्ड जो ट्रीटमेंट है, फॉलिएज स्प्रे करने से क्या होता है, जो हमारे प्लांट होते हैं ना, जिसके जो इसके लीव्स होते हैं, मैं आपको लीव्स को भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको स्प्रे करनी है। तो ये देखिए, ये मैंने एक प्लांट लाके आपको दिखाया है, तो ये कोलियस का प्लांट है। आप किसी भी प्लांट, वेजिटेबल प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो, और इंडोर प्लांट हो, आउटडोर प्लांट हो, किसी भी तरीके के पास आपके प्लांट है तो उसमें आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे करने की क्वांटिटी भी बताऊंगी। सेकंड मैंने जो बताया था कि आप इसमें सॉइल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो 1 or 2 का रेशियो रहेगा। और जो आप स्प्रे फॉर्म करेंगे ना, तो स्प्रे फॉर्म में आप 1 liter सॉल्यूशन लीजिए, ये जो डिकम्पोजर का सॉल्यूशन बनाया है आपने, तो एक पार्ट इसका लीजिए और 3 parts आप नॉर्मल वाटर ले लीजिए और उसको डिजॉल्व कर दीजिए और स्प्रे बॉटल में डालिए। और जो ये दिख रहे हैं ना लीप्स के जो नीचे, ये नीचे होते हैं, ये वाले जो फॉलीज रहते हैं, स्टोमेटा होते हैं, वहाँ पे आप अच्छे से स्प्रे कर दीजिए स्प्रे बॉटल की मदद से, और अपने प्लांट को पूरा नहला दीजिए और अच्छे तरीके से। इससे क्या होगा, जो हमारे लीप्स में जो ये सॉल्यूशन जाएगा ना, तो ये जो लीप्स के थ्रू ये फर्टिलाइजर को बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसका जो रिजल्ट होता है बहुत ही अच्छा रहता है प्लांट में। प्लांट काफ़ी बूसी हो जाएगा, ग्रीनरी बनी रहती है, और फॉलीज जो स्प्रे करने से प्लांट पे न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। और जो स्प्रे करने का टाइम होता है वो बिल्कुल आप अर्ली मॉर्निंग करिए या फिर आपको 4 शाम के बाद करनी है। इस तरीके से आप फॉलीज स्प्रे कर सकते हैं। और इसका जो बेनिफिट होता है हमारे प्लांट में, इस तरीके से हमारे प्लांट में देखिए मिली बग का अटैक बहुत होता है और एफिड्स होते हैं। तो जो प्लांट के जो ये वाले हिस्से होते हैं जहाँ पर स्टोमेटा होते हैं, ये इसको स्टोमेटा बोलते हैं, यहाँ पर आप पूरा दोनों तरीके से आप स्प्रे करिए, आपको बिल्कुल माइट्स का अटैक नहीं होगा, मिली बग नहीं होगा। तो इसका थर्ड ट्रीटमेंट ये हो गया। और लास्ट आपको ये बताऊंगी, इसका फोर्थ जो ट्रीटमेंट होता है वो सीड जर्मिनेशन के लिए होता है। तो सीड जर्मिनेशन के लिए जो रेशियो होता है, 1 part ये सॉल्यूशन रहेगा और 4th part जो रहता है वो नॉर्मल वाटर रहेगा। उसमें आपको क्या करना है, सीड्स को आप सॉल्यूशन रेडी करने के बाद आप सीड्स जो रहता है उसे आप इसमें एक बाउल में ले लीजिए सीड्स को, और सीड्स को डाल दीजिए बाउल में और 30 minutes के लिए छांव वाले एरिया में रहन दीजिए। और उसके बाद फिर आप सीड्स को निकाल कर सीड जर्मिनेशन कर सकते हैं। और सीड का जो वो रहता है मतलब जर्मिनेशन का जो रेट होता है वो 98% से 99% होता है। मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ज़रूर आप करके देखिएगा। और ऐसा करने से क्या होते हैं, सीड भी हमारे भीग जाएंगे अंदर से, और उसमें जो भी पहले से फंगल होगी वो सब दूर हो जाती है। ये इसमें एंटी फंगल का भी गुण होता है जो कि बहुत अच्छा तरीका होता है ये। तो 4 से मैंने आज आपको बताया इस वेस्ट डिकम्पोजर का यूज़ करना। फर्स्ट है कंपोस्ट बनाने में, और जो सेकंड होता है
सेकंड जो होता है ये फोर्थ होता है सीड जर्मिनेशन में, और थर्ड नंबर पर सेकंड होता है सॉइल ट्रीटमेंट में, और थर्ड होता है स्प्रे करने में। तो चार तरीके से मैंने बताया, और इस तरीके से आप अपने डीकम्पोजर का यूज़ ज़रूर करिए, आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में। और एक मैं आपको वीडियो और ज़रूर बताऊँ, मतलब एक टॉपिक और बताऊँगी कि इसी की इस सॉल्यूशन की मदद से मैं प्रोम बनाने वाली हूँ बहुत ही जल्दी। डीएपी होता है जो हम मार्केट में यूज़ करते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट केमिकल होता है, तो उसी का मैं ही ऑर्गेनिक मैन्यूर बनाने वाली हूँ बहुत ही जल्दी। कंपोजर बनता है, बहुत ही पावरफुल होता है, जिसमें कि फास्फोरस लगभग 20% होता है, जो हम नॉर्मल मार्केट से यूज़ करते हैं डीएपी, वो जो हमारे प्लांट के लिए थोड़ा सा नुकसान करता है। तो मैं ऑर्गेनिक मैन्यूर यूज़ करना चाहती थी, तो जल्द ही मैं इसका वीडियो लाने वाली हूँ, बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा वो, आप ज़रूर चेक करिएगा उस वीडियो को, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो कैसे बनाया जाता है इस सॉल्यूशन से प्रोम, तो प्रोम का भी मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ कि क्या होता है ये। फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर प्रोम बोला जाता है इसे। तो जल्दी ही मैं इस वीडियो को लाऊंगी। तो बस फ्रेंड, वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।